हाँ असा पढ़ो था लाइकॉप सीडा। आज हम पढ़ेंगे लाइकॉप सीडा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेक्योफाइट्स हैं वो डिवाइडेड हैं इंटर टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफिटा। ठीक है, ट्रेक्योफाइट्स आर डिवाइडेड इंटर टेरिडोफाइटा जो कि हैं नॉन सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स, और स्पर्मोफिटा जो कि हैं सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स। अब जो टेरिडोफाइटा हैं वो फिर से डिवाइडेड हैं साइलोफिटा में, लाइकोफिटा में, फेनोफिटा में और टेरोफिटा में। तो साइलोफिटा हमने पहले कंप्लीट किया था, आज हम पढ़ेंगे लाइकोफिटा। लाइकोफिटा डेवोनियन पीरियड के मिडिल में जो है वो अपीयर हुए। डेवोनियन पीरियड वो जो साइलोफिटा थे वो आए थे सिलोरियन पीरियड में। सिलोरियन पीरियड डेवोनियन पीरियड से पहले का है। आप जब चैप्टर 1 पेज नंबर 8 पे जो जियोलॉजिकल चार्ट है, टाइम पीरियड का जो चार्ट है, उसमें देख सकते हैं कि सिलोरियन पीरियड जो है वो पहले है, उसके बाद आता है डेवोनियन पीरियड, और डेवोनियन पीरियड के बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो ये जो लाइकोफिटा है वो अपीयर हुए थे डेवोनियन पीरियड के मिडिल में। लाइकोफिटा जो है वो डेवोनियन पीरियड के मिडिल में अपीयर हुए हैं। इससे पहले जो सिलोरियन पीरियड था उसमें अपीयर हुए थे साइलोफिटा। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि तकरीबन 10 मिलियन साल बाद जो है ना साइलोफिटा के 10 मिलियन साल बाद जो है ना वो ये लाइकोफिटा अपीयर हुए। अब डेवोनियन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये जो लाइकोफिटा थे ये कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेंट हो गए। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड विद दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दुनिया के ज्यादातर जंगलात जो थे वो इन्हीं प्लांट्स से जो है ना वो कवर्ड हो गए। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना वो कार्बोनिफेरस पीरियड है या डेवोनियन पीरियड है या सिलोरियन पीरियड है, ये है पैलियोजिक इरा के जो है ना वो पीरियड। अब जब पैलियोजिक इरा खत्म होता है, इरा होता है बड़ा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, उसको डिवाइड किया गया है छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में। तो पैलियोजोइक एरा जो है उसको ही डिवाइड किया गया है सिलोरियन पीरियड में या डेवोनियन पीरियड में या कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब जब ये पैलियोजोइक एरा खत्म होता है तो जो है ना ये लाइकोफिटा भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा लाइकोफिटा रिप्लेस्ड विद अदर एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, जैसे ही पैलियोजोइक एरा खत्म हुआ तो लाइकोफिटा की जगह पे जो है वो नए जो है ना वो एडवांस्ड टेरिडोफाइटा जो है ना वो आ गए, फेनोफिटा या टेरोफिटा, फर्न प्लांट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ना वो आज भी 5 जेनरा जो है लाइकोफिटा के, 5 जेनरा जो है वो आज भी लिविंग फॉर्म में मौजूद है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब उन 5 जेनरा में से 2 जेनरा है जो कि पाकिस्तान में है। वो 2 जेनरा कौन से हैं? स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्लेजिनेला जो है वो है हेटरोस्पोरस, लाइकोपोडियम जो है वो है होमोस्पोरस। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट स्पोर्स, मतलब कि स्लेजिनेला जो है ना उसके मेल और फीमेल स्पोर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मेल स्पोर्स आर स्मॉल, फीमेल स्पोर्स आर लार्ज, लेकिन लाइकोपोडियम जो है ना वो एक जैसे स्पोर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो है ना वो इनसे पहले जितने भी प्लांट्स थे, ब्रायोफाइटा थे या जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो साइलोफिटा वगैरह आए, तो उन्होंने स्पोर्स प्रोड्यूस किए, पर वो स्पोर्स जो है ना वो थे होमोस्पोरस। लाइकोफिटा का एक जेनरा है स्लेजिनेला जिन्होंने हेटरोस्पोरस जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और ये हेटरोस्पोरस आगे चल के जो है ना ये है जो है ना वो सीड की एक स्टेप, सीड की इवोल्यूशन की एक स्टेप है कि सबसे पहले जो है वो प्लांट ने हेटरोस्पोरस जो है वो बनाया, क्योंकि सीड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है ना वो होती है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब उन गैमेट्स जो है ना को जो है ना वो प्रोड्यूस करने वाले हैं स्पोर्स, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, और बनाते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जब 2 डिफरेंट स्पोर्स होंगे तो वो 2 डिफरेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, और फिर 2 डिफरेंट गैमेटोफाइट 2 डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर आगे चल के जो है वो सीड बनेगा। तो जो है ना वो सीड तो जो है वो स्पर्मोफिटा में बनता है, लेकिन सीड बनने की जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो है
ठीक है। अच्छा अब लाइकोसीडा के पास ट्रू रूट है, ठीक है, लीफ भी है और स्टेम भी है। स्टेम तो साइलोसीडा के पास था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है वो इवोल्यूशन की, उन्होंने जो है वो लीव्स भी बनाए, ठीक है, अब इन्होंने रूट भी बनाया है। रूट की इवोल्यूशन कैसे होती है कि ये भी एक हाइपोथेसिस है, इट इज सपोज्ड दैट ब्रांचेस ऑफ एंसेस्ट्रल एल्जी पेनिट्रेट इन सॉइल, ठीक है, ये एक जो है वो सपोज किया जाता है कि शायद ब्रांचेस ब्रांच्ड एल्जी जमीन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हुई होगी और उन्होंने ही जो है ना वो क्या के रूट बनाया होगा, ठीक है। अब ये भी जो है ना वो एक सपोज है, एक हाइपोथेसिस है, जिस तरह जो हमने लीफ की हाइपोथेसिस पढ़ी बिल्कुल इसी तरह जो है वो ये भी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब लाइकोसीडा के पास स्पोरोफिल्स भी होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। फोटोसिंथेटिक लीव्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रीन, पर जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते क्योंकि उनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो उनमें जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता, वो ग्रीन नहीं होते। इन्होंने स्पोरोफिल्स बनाए हैं जो कि हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है। अच्छा अब वो स्पोरोफिल्स एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज्ड होते हैं कि उनका जो है ना वो एक बहुत सारे स्पोरोफिल्स एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होते हैं कि इन्होंने जो है वो एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रोफिल्स जो है वो बनाया है। अब कुछ ऐसे भी लाइकोसीडा होते हैं जिनके, बल्कि ज्यादातर जो है ना वो लाइकोपोडियम वगैरह जो है, ठीक है, इनका जो है वो स्ट्रोफिल्स जो है कोन जो है वो है क्लब शेप, डंडे की तरह क्लब शेप, ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो हम लाइकोसीडा को क्लब मोसस भी कहते हैं क्योंकि लाइकोसीडा का मेन प्लांट जो है वो है लाइकोपोडियम और इस लाइकोपोडियम ने जो कोन बनाया है वो है क्लब शेप डंडे की तरह, इसलिए इसको हम जो है वो क्लब मोसस भी कहते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड, क्योंकि सीड की एवोल्यूशन जो स्टार्ट इधर से होती है, ठीक है, आगे चल के सीड जो बनता है वो स्पर्मोक्सीडा में, ठीक है, ओके।